नमस्कार। तो आपको पता है कि आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट कोड 939 है वो कंडक्ट किया जाएगा 24 अप्रैल 2021 को। तो उसके लिए देखिए, जितने भी प्रीवियस कंप्यूटर के पेपर हुए ना, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का सेक्शन है इवनिंग में, आपको पता है कि हम कंप्यूटर या फिर कोई और सीरीज जो है वो डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पूछते हैं कि विच इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग ईमेल्स एंड सोशल मीडिया फॉर ट्रिकिंग द यूजर इंटू रिवीलिंग देयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। ये बोलते हैं, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, कि जो यूजर होता है, जैसे कि आप यूजर हैं, तो आपका नाम हो गया, पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हो गया, ये सब आपसे जो है उगलवाने के लिए ईमेल और सोशल मीडिया का जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म रखी गई है, जिस टर्म को कहते हैं फिशिंग। फिशिंग इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, फिशिंग उसको कहते हैं। अब एक स्पैम भी होता है। स्पैम क्या होता है? स्पैम होता है जो आपके पास अनवांटेड मेल्स आ जाती हैं ना, उनको स्पैम कहते हैं। स्पैम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछते हैं, टू क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजर यूज लेजर बीम फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो देखिए, कौन सा स्टोरेज मीडिया जो है वो रीड और राइट ऑपरेशन के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है। तो लेजर बीम का उपयोग जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है सीडी रोम के द्वारा। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कम्पैक्ट डिस्क। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो इन दोनों की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है पहले। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछते हैं, द सीपीयू यूजेज रिपीटिंग मशीन साइकिल्स कंसिस्टिंग ऑफ डैश टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम वन बाय वन। तो सीपीयू प्रोग्राम में जो है वो अनुदेशों के एक के बाद एक निष्पादन के लिए जो है जो एक साइकिल बनाई गई है, तो उसको आप बताइए कि कौन सी सही है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले फिचिंग होती है, फेच होता है डाटा, उसके बाद डिकोड किया जाता है उसको, और उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाता है उसको। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन को समझिए एक बार कि सीपीयू में जो काम किया जाता है ना, कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो किस तरह से होता है, तो ये समझना चाहिए आपको किस तरह से होता है। आगे पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू फ्लाइन टैक्सोनॉमी। तो फ्लाइन वर्गीकरण के अनुसार कंप्यूटर के संगठन के विभिन्न वर्गीकरण क्या है? तो अगर विभिन्न वर्गीकरण देखे जाए इसके, तो इसके हैं SISD, SIMD, MISD, MIMD। ये ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इजीली टिक कर पाएंगे अभी, क्योंकि आपने इसका सही आंसर जान लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में पूछा गया है, द टर्म हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो टर्म है हिट और मिस, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये टर्म जो है ये कैशे मेमोरी जो होती है, कैशे मेमोरी, उससे संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। याद रखिएगा, टर्म हिट और मिस, ये कैशे मेमोरी से जो है वो संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछते हैं? 6 में पूछते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया द डाटा बिट्स आर स्टोर्ड अलॉन्ग सिंगल स्पाइरल ट्रैक। तो निम्नलिखित में से किस स्टोरेज मीडिया में डाटा बिट एकल स्पिरल ट्रैक के साथ भंडारित होता है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये सीडी रोम के साथ होता है। सीडी रोम का हमने एक और क्वेश्चन पीछे पढ़ा था, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं, द कंट्रोल यूनिट आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द अप्रोचेज नोन एज माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल एंड कंट्रोल। तो देखो, ये जो नियंत्रण इकाइयाँ दो उपगमों का प्रयोग करके कार्यान्वित होती हैं, जो सूक्ष्म क्रमादेशी नियंत्रण और नियंत्रण के रूप में, तो किस नियंत्रण के रूप में ये जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, हार्ड वायर्ड इसका सही आंसर होगा, यंत्रस्थ जो है इसका सही आंसर होगा। आगे 8 में पूछते हैं, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस 4M मल्टीप्लाई बाय 16 मेन मेमोरी इन बाइट एड्रेसेबल मोड। तो बाइट एड्रेसेबल मोड में 4M मल्टीप्लाई बाय 16 मुख्य स्मृति एड्रेस करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए जो है वो 26 बिट की आवश्यकता होती है, 26 बिट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में पूछा गया है, इन द एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड वैल्यू इज द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो एड्रेसिंग मोड होता है, इसमें संक्रायमान अनुदेश का भाग होता है। किस अनुदेश का भाग होता है? 9 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, इमीजिएट। इमीजिएट इसका सही आंसर होगा, इमीजिएट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में पूछा गया है, द डैश लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट रिसेंटली असेस्ड आइटम टेंड टू बी असेस्ड अगेन इन द नियर फ्यूचर। तो संदर्भ की डैश संस्थिति एक संस्थिति इस मान्यता पर आधारित है कि हाल ही में अभिगमित आइटम निकट भविष्य में दोबारा अभिगमित होना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, टेम्पोरल। टेम्पोरल यानी कि अस्थाई, अस्थाई जो है इसका सही आंसर है। देखो, एक सिंपल सी बात बताऊँ ना मैं आपको, आपको शायद थोड़ा ऑकवर्ड भी लगेगा।
अगर क्वेश्चन आपको समझ ना आए ना, तो देखो या तो डिटेल में आप पढ़िए, अगर डिटेल में नहीं पढ़ सकते ना आप, तो रट लीजिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर है और यहाँ से ना क्वेश्चन रिपीट कर कर पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी ट्रिक है ना, किसी को पसंद आए भी आएगी भी, किसी को नहीं आएगी, परंतु ये आपको बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में जो है इन पेपरों में जो है रट्टा भी थोड़ा सा मारना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर अ प्रिंटर। इनमें से प्रिंटर के लिए कौन सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है, तकनीकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी एस्पेक्ट रेशियो जो है वो नहीं होती है। डुप्लेक्सिंग भी वहाँ पर होती है, डीपीआई भी वहाँ पर होती है, पीपीएम भी वहाँ पर होती है। डीपीआई जो होता है, डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच, और पीपीएम का पूरा नाम होता है पेज पर मिनट, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए 12 क्वेश्चन हम पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट फॉर मेजरिंग सीपीयू स्पीड। तो इनमें से सीपीयू की स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट नहीं है। जब नहीं आपसे पूछा गया है तो टिप्स जो है वो कोई भी यूनिट नहीं होता है, TWIPS ये कोई यूनिट नहीं होता है। आगे देखिए, आगे थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ना देखिए, अगर आपसे पूछ जाता है तो आप एक बार पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, और मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, तो इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी मोंगो डीबी जो है एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम नहीं है, मोंगो डीबी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एसक्यूएल कमांड टू लिस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एवरेज सैलरी फॉर विच द एवरेज सैलरी इज मोर देन 20,000। तो देखिए, सभी विभागों और औसत वेतन, जिनके लिए औसत वेतन जो है वो 20,000 से ज़्यादा है, उसके लिए एसक्यूएल कमांड जो है वो कौन सी होगी। तो उसके लिए कौन सी एसक्यूएल कमांड होगी, ऑप्शन बी सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 20,000। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट इन रिलेशनल डेटाबेस। तो निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा संबंध परक डेटाबेस में मानक समाकलन प्रतिबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ऑप्शन सी कैंडिडेट की जो है वो सही आंसर हो जाएगा, कैंडिडेट की इसका सही आंसर है। 17 में पूछते हैं ये आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज एसक्यूएल कमांड। तो इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन, जिसको TCL भी कहते हैं, TCL कमांड है, TCL SQL कमांड कौन सी है इनमें से, इसको TCL भी कई बार लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी कमिट जो है वो सही आंसर है, कमिट ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 18 में पूछते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये एक डेसिमल दिया गया है आपके पास नंबर, बाइनरी नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका डेसिमल नंबर में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसका 109 जो है वो सही आंसर आ जाएगा। 109 ये होपफुली आपको सॉल्व करने आते होंगे, तो आसान होते हैं वैसे तो। अगला देखिए, अगला है गेट के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पर पूछते हैं विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल सो बिलो। तो ये सिंबल किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, ये इस तरह से सिंबल जो होता है, ये सिंबल जो है वो किसके लिए रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ऑप्शन सी और गेट जो है वो सही आंसर है, और गेट के लिए जो है ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को ना शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा ना, तभी हम इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, और ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए ना फुल प्रिपरेशन मिल जाए प्रीवियस ईयर के पेपर से, और बाकी अपने लेवल पर तो आप पढ़ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में पूछते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 96.25, यहाँ पर दिया गया है इन बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर में इसको चेंज करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसको भी देख लीजिएगा अगर आपको चेंज करने आता है तो, होपफुली जब आप इस तरह के पेपर दे रहे हैं ना, तो ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। यहाँ पर फिर से लॉजिक ऑपरेशन के ऊपर है कि ये जो है कौन सा लॉजिक ट्रुथ टेबल दिया गया है यहाँ पर एक, तो ट्रुथ टेबल का बताना है कि ये किस गेट को रिप्रेजेंट करता है या फिर किस लॉजिक और ऑपरेशन के गेट को रिप्रेजेंट करता है। 21 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, नैंड गेट के लिए जो है वो रिप्रेजेंट करता है, नैंड गेट इसका सही आंसर आ गया है। क्वेश्चन आपने और गेट के बारे में यहाँ पर पढ़ा, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्यूजीज जो हैं हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपका रिस्पॉन्स देखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो कल जो है और ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।